दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ODI क्रिकेट में सुपर ओवर सिर्फ नॉकआउट मैचेस में क्यों होते हैं, जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल में हुआ था वो और मैचेस में क्यों नहीं होता है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का 2018 में एक मैच तय हुआ था उसमें क्यों नहीं हुआ सुपर ओवर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो वो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर दीजिए, आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है टाइमिंग्स को लेके। टाइमिंग्स तो आप जानते ही हो, 100 ओवर का खेल होता है। ICC की हमेशा ये कोशिश रही है कि आप खेल को छोटा बनाएं ताकि प्लेयर्स को थकान थोड़ी कम हो। आप 8 या 9 घंटा का तो ये ODI मैच हो जाता है, 50-50 ओवर्स पर टीम, 8 या 9 घंटा का मैच होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्लेयर्स थक भी जाते हैं, इसलिए फिर सुपर ओवर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ICC की जैसा मैंने कहा अभी कि बहुत कोशिश रहती है कि टाइमिंग्स को मतलब रिड्यूस करें, उन्होंने ड्रिंक्स की टाइमिंग को रिड्यूस किया, इनिंग के बीच में जो ब्रेक होते हैं उस टाइमिंग को रिड्यूस किया, मैच के पहले जो ब्रेक्स होते हैं उस टाइमिंग को रिड्यूस किया, मैन ऑफ द मैच वगैरह और प्रेजेंटेशन और मैच के एंड के बीच जो ब्रेक होते हैं उस टाइमिंग को रिड्यूस किया। तो उन्होंने बहुत सारे टाइमिंग्स को रिड्यूस किया है ताकि 8-9 घंटे का तो ये मैच होता ही है, उससे थोड़ा सा प्लेयर की थकान कम हो। तो जो दोस्तों जो दूसरा कारण है वो है प्लेयर एग्जॉस्टन को लेके। प्लेयर एग्जॉस्टन, प्लेयर बहुत थक जाते हैं, 8-9 घंटा का मैच होता है, उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स तो मिलते ही रहते हैं बीच बीच में, वो चाहे तो हर ओवर के बाद ले सकते हैं लेकिन वो उनके लिए काफी नहीं है। और T20 मैच में क्या होता है वो 20-20-40 3-4 घंटा का खेलते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सुपर ओवर पॉसिबल होता है। T20 क्रिकेट के डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए सुपर ओवर कराया जाता है, लेकिन जब बात ODI क्रिकेट की आ जाती है तो 100 ओवर ऐसे ही खेल देते हैं प्लेयर्स, तो इसीलिए सुपर ओवर को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि कोई क्रिकेट बोर्ड, चाहे ICC हो जाए, चाहे BCCI हो जाए, चाहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, चाहे क्रिकेट न्यूजीलैंड, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, कोई नहीं चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो, वरना टीम को बहुत नुकसान होता है, इसलिए वो 2 ओवर बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, इसलिए उन 2 ओवर को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।